Hello students, let's see this question. The question says, among the following pairs of compounds, the one that illustrates the law of multiple proportions is, चार options आपको given. यहाँ पे each option के अंदर एक pair of compound लिखा है, यानी कि दो compounds लिखे हैं. आपको ये बताना है कि किस option के अंदर law of multiple proportion valid है, justified है. So ये जो law है, it is one of the laws of law of chemical combinations. राइट, सिंस दिस लॉ वाज गिवन बाय द डाल्टन. सो ये लॉ ये कहता है कि अगर आपका, इसको एग्जांपल की तरह से समझते हैं, कि अगर आपके दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, ये कंबाइन करके यहाँ पर ए बी बनाते हैं, और सेम दोनों एलिमेंट अगर मैं फिर से ले लूं ए प्लस टू बी इस तरीके से ले लूं, तो ये बनाते हैं ए बी टू. ठीक है, यानी कि दोनों ये जो दो एलिमेंट्स मैंने, या दो सब्सटेंसेस बोल देते हैं, नॉट एलिमेंट, सब्सटेंसेस बोल देती हूँ. ठीक है, दो सब्सटेंसेस मैं ले रही हूँ, उनमें से किसी एक सब्सटेंस का अगर मैंने मास को फिक्स कर दिया, आप क्या देख रहे हो कि ये 1 मोल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और मास या फिर आप क्वांटिटी बोल दो. ठीक है, ये मास भी बोलना चाहो तो इसको सिंपली आप क्या बोल दो कि लेट से ये 1 ग्राम है और ये भी इसका 1 ग्राम है. तो जो 1 ग्राम आपने ए लिया है, तो 1 ग्राम ए के साथ 1 ग्राम बी कंबाइन करता है, 1 ग्राम ए बी बना देता है. राइट, बट सेम जब सब्सटेंसेस आपने ले रहे हो, बट उनका क्या कर दिया, क्वांटिटी डिफरेंशिएट कर दी, एक की फिक्स कर दी, एक की चेंज कर दी. ए की रखी मैंने 1 ग्राम और बी की कर दी 2 ग्राम, तो आपको एक न्यू कंपाउंड मिल गया ए बी टू, जिसका मास हो जाएगा लेट से कि 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम या 3 ग्राम ऐसे बोल दीजिए, इस तरीके से होता है. ठीक है, सो क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट जिसका मास फिक्स्ड है, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास को हम वेरी कर रहे हैं, तो उसका मास हमेशा एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के अंदर देखा जाएगा. ठीक है, उसका जो मास होगा दैट वुड बी इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आएगा. सो ये होता है. तो अब इसके अंदर, इस लॉ के अंदर हम क्या देख रहे हो कि दो डिफरेंट टाइप की कंपाउंड्स बनेंगे, बट दो एलिमेंट्स जो होंगे उनमें वो सेम ही होंगे. अब अगर आप फर्स्ट में देखो, तो यहाँ पे एक एलिमेंट तो हो गया एन, यहाँ पर भी एक हो गया एन, बट यहाँ पर एच है और यहाँ पर सी एल है, मतलब यहाँ पे टोटल 3 टाइप के एलिमेंट है. बट ओवरऑल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर सिर्फ 2 टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, तो ए गलत हो जाता है. बी में देखो, एक हाइड्रोजन हो गया, एक सल्फर हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ये 2 टाइप के जो कंपाउंड दे रखे हैं और सब्सटेंसेस दे रखे हैं, इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं. सो अगेन यहाँ पर ये लॉ वैलिड नहीं है. सी में भी देखोगे आप, तो एक कार्बन है, एक सल्फर है, एक आयरन है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे तो 4 टाइप के एलिमेंट्स हो गए, तो अगेन ये इनवैलिड हो जाता है. और डी के अंदर आप देखते हो तो एक कॉपर है, एक ऑक्सीजन है, यानी कि 2 ही टाइप के एलिमेंट्स दे रखे हैं. सो यहाँ पर ये लॉ क्या है, बिल्कुल जस्टिफाइड है. तो आप ये देखोगे कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सी यू ओ बनाएगा लेट से, और दूसरे टाइम क्या बना रहा है आपका सी यू 2O बना रहा है. तो उसको मैं एक बार बैलेंस कर लूं पहले. तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे. ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या, ये 2 हो गया, ये 2 2, यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ पर 4 लगा दिया. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं कॉपर का मास जानती हूँ, दैट इज 63.5 होता है, तो ये 2 × 63.5 है, इसका मास इस 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है. यहाँ पे 4 × 63.5 ग्राम कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में. सो ऑक्सीजन का वेट तो कॉन्स्टेंट है, दैट इज फिक्स है. तो जो कॉपर का जो वेट है इन दोनों रिएक्शन के अंदर, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में. सो फर्स्ट में क्या है 2 × 63.5 है, और दूसरे में क्या है 4 × 63.5 है. तो ये पूरा सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. यानी कि ये जो दोनों कंपाउंड्स है CuO एंड CU2O, इसके अंदर कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो रहा है कि एक जो एलिमेंट है उसका रेशो जो है मास का, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होता है. डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.